नमस्कार, मु सुस्मिता टेस्ट फैक्ट्री रे आपण मानंकु स्वागत करुछि। आज आसंतु बेसनर तरकारी प्रस्तुत करिबा। जेतेबेले घरे तरकारी प्रस्तुत करिया पई कोनोसी परियापत्र नथिबो बा आनिया पई सुविधा नथिबो सेतेबेले आपण ए बेसन तरकारी आराम रे प्रस्तुत करि परिबे। एते टेस्टी लागिबो जे पिला माने पनीर बदल रे बेसन तरकारी खाइबाकु निश्चय खुशी हेबे। पिला पड़ो समस्तंकु निश्चय भल लागिबो। डायबिटीज पेशेंट को पई गोटे बहुत भल ऑप्शन ट्राए करंतु। जदि भल लागिला मो वीडियो को लाइक आउ शेयर करिबे। नुआ देखुथिले प्लीज सब्सक्राइब करनेबे। आसंतु ताले देखिबा एठी मसला ग्राइंड करिया पई मो दुईटी बड़ प्याज एभली काटि रखिछि। 8-10 कोळ रसुण नेछि, 2 इंच रो अदा नेछि आउ गोटे टेबल स्पून जीरा नेइछि। एको आमे सबु भल्लरे ग्राइंड कर देबा। एठी गोटे बड़ प्याज सरसुरु काटि रखिछि, गोटे बड़ टमाटो मध्य काटि रखिछि, ताकु भी आमे ग्राइंड कर नबा। वर्तमान मसला ग्राइंड कर देइछि। एठी गोटे बोल बेसन आ गोटे कप पानी नेइछि। ग्राइंडिंग मसलारु 2 टेबल स्पून नबा। मसलारो बळिथिबा पानी दे देबा। आवश्यक अनुसार लुण, हळदी गुंड आउ लंका गुंड 1/2 चमच आमे दे दबा। बेसन को आमे वर्तमान से बोल रे अल्प अल्प पकाई ताकु फेंटी नबा। कम कम पानी पकाई ताकु धीरे धीरे फेंटी नेले सेथिरे लम्प्स रहिवनी। ताकु गोटे फाइन पेस्ट आमे करिबा। एबे देखंतु फाइन पेस्ट हे गला। भल भाबरे बेसन पूरा मिसि जाइछि, तार कंसिस्टेंसी एइभली रखिबा। वर्तमान करेई रे गोटे चमच रिफाइन तेल आउ किछि पानी देई गरम करिबा। टिके गरम हे गले आमे सेइथरे रखिथिबा बेसन को अल्प अल्प करी ढालिबा। बैटर टाकु एकदम रांधिकी ताकु पूरा थिक करिबा। जेमती अटा चकटला भली आमे ताकु पूरा थिक कर देबा। कंटिन्यूअसली ताकु घांटिबा, नहले तळ लागि जिवो। भलो भाबरे घांटी घांटी देबा। गैस रो फ्लेम को सिम रे रखिथिबा, सिम बा मीडियम फ्लेम रे रखि ताकु कंटिन्यूअसली घांटी लागिले से धीरे धीरे बहळा होई चकटा अटा भळी हे जिवो। गोटे प्लेट रे आमे गोटे चम्मच तेल भल भाव ब्रश कर दबा। एबे गैस ऑफ करी बेसन को आमे सेथरे ढाली नबा। ताकु चारियाडे स्प्रेड करी थंडा हवा को पूरा छाड़ दबा। थंडा हे गले से एकदम टाण हे जिवो। आउ ताकु आमे पीस पीस रे काटी दबा। वर्तमान बेसन थंडा ही आसला। आमे ताको पनीर भली छोटो छोटो रेक्टांगुलर पीस रे काटी दबा। आपण जेमिति चाहिले से भली शेप रे काटी परिवे। किंतु मन रखिबे पूरा थंडा हेला परे ताको काटिबे। वर्तमान करी रे किछि तेल गरम करी सेथरे आमे ताको छाणी दबा। गोटी गोटी करी ताकु छाड़ी छाड़ी पकाई बेसनर पीस गुड़िक छाणी दबा। टिके समय परे ताकु साइड ओल्टाई दुई पट जाक अल्प अल्प लाल हेले ताकु आमे काढ़ी नबा। एबे देखंतु लाल लाल हे आसलानी।
वर्तमान गोटे प्लेट को ताको काढ़ी नबा एभली भाव आउ तक बेसन पीस आम छाणी दबा आपण जदि इच्छा करिवे आलू पकेबा को तबे बेसन छाणी सरला परे छोट छोट आलू काटी ताको छाणी तरकारी रे मध्य पके परिवे मु एठी पकेनी वर्तमान बेसन गुड़िक सबू छाणी हेगला एबे करई रे 3 चम्मच रिफाइन तेल देछि सेथरे गोटा गरम मसला डालचीन दीटा पीस गुजराती दीटा और लवंग 3-4टा पकाई देली टिके फुटी आसिले सेथरे आमे 2टी तेजपत्र आउ काटी रखीतिबा प्याज को दे दबा प्याज को भल भाव भाजवा अल्प अल्प लाल ही आसिले से बड़का बटा मसला आम पकईद एबे गोटे चम्मच हल्दी पाउडर हाफ चम्मच लंका पाउडर पकईद अल्प पानी दे से आम भल भाव कसी नबा गोटे चम्मच धनिया पाउडर दे देदबा मसला रे ऑलरेडी जीरा बटा है से जीरा पाउडर आवश्यक नहीं अल्प लुण मध्य दे देदबा मसला पाई ताको बासना आसीबा जाए हमें भल भाव कसीबा हाफ चम्मच चीनी मध्य दे देली एबे लाल लाल हे आसलानी ग्राइंड करी रखीतिबा टमाटो को मध्य सेथरे दे दबा भलो भाबरे कसी हे गले सेथरे हाफ चम्मच गरम मसला पकाई दबा गोटे चम्मच कसूरी मेथी दे दबा भल भाव कसीबा जेपरिक मसलारू टिके तेल बाहरी आसीब वर्तमान कसी हेगला आम से पानी दे दबा टिके अधिका पानी दबा कहीं बेसन पीस गुड़िक पानी को टाणी नब से टिके पतला ग्रेवी रखा एबे से आउ टिके लुण भी दे दबा ताको भल भाव फुटिया को छाड़ीबा ग्रेविटी भल भाव फुटी आसिले आमे सेथरे छाणी रखीतिबा बेसन पीस गुड़िक पकाई दबा बेसन रो पीस गुड़िक बहुत सॉफ्ट हेछि सेथिपई बेसी समय फुटेबानी जस्ट हाफ मिनिट फुटे दबा वर्तमान रेडी हेगला आमर बेसन तरकारी ताकू गोटे सर्विंग बोल को काढ़ी नबा बहुत बढ़िया बासना बाहर वर्तमान रेडी हेगला आपण मैने गरम भात गरम अरुआ भात बा रुटी परोटा आदि सांगरे खाई तार मजा नियंतु निश्चय समस्ते भल पाइबे बोली मोर आशा।